हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स डिस्कस करते हैं। जो मैथ्स का हमारा सेकंड चैप्टर है, तो पॉलिनोमियल्स, उसके डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर टर्म्ड एज पॉलिनोमियल्स। जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वाइट इजी है, जो मेरी हायर क्लासेस में मेरे को हेल्प करता है। अब यहां पे मैंने दो टर्म यूज किए हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इट टेक्स द डिफरेंट वैल्यू डिनोटेड बाय द एक्स वाई और एबीसी एटसेट्रा। कॉन्स्टेंट्स जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स, फॉर एग्जांपल, एन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वन, टू टर्म्स, एक्स इज ए वेरिएबल, वन इज अ कॉन्स्टेंट, ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है, वेरिएबल जिसकी डिग्री पावर टू है, इट इज ऑल्सो एन पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, थ्री टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स पावर टू, x पावर वन एंड वन ए कॉन्स्टेंट टर्म। सो ये मेरे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो मेरे इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये पूरे एक्सप्रेशन को हम टर्म करते हैं पॉलिनोमियल्स। अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स जानने से पहले एक हम टर्म डिस्कस करना चाहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मेरा एक पॉलिनोमियल है एक्स प्लस वन, एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स की पावर वन, जिसको मैं सिंपली एक्स लिख सकता हूं, इसकी डिग्री वन। हम यहां सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सो एक्स वेरिएबल है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, डिग्री वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वेरिएबल की पावर टू, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर वन, सो डिग्री टू। सिमिलरली एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहां पर हम पावर देखते हैं, एक्स की वेरिएबल है थ्री टू वन,
So highest power 3 degree 3. So यहां पे degree of the polynomial जो मेरी power variable की power को express करता है highest power को. So polynomials के degree find out करने के लिए हम variable की x power देखेंगे और जिससे हम polynomial के degree को define करेंगे. अब हम कुछ polynomials के types देखते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल, तो एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर और डिग्री 1, तो एनी एक्सप्रेशन डिग्री 1, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 बाय 2, तो जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, इन सब में x की पावर 1 है, सो देयर टर्म्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. और सिंपली इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशंस जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वेयर एक्स इज अ वेरिएबल ए और बी एनी रियल नंबर एक्स इज अ वेरिएबल डिग्री 1 ए बी एनी रियल नंबर ये मेरे लीनियर पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करता है डिग्री 1. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैंने टाइप्स को डिनोट किया लीनियर पॉलिनोमियल. तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर और डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट वन टाइप्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर डिग्री हम डिग्री यूज करते हैं पावर यूज करते हैं और वी यूज द एक्सपोनेंट आल्सो ऑफ डिग्री 2. एग्जांपल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट मे बी 1 टर्म और 2 टर्म्स बट वेरिएबल की जो पावर होगी हाईएस्ट पावर या डिग्री होगी 2 होगी they are come under the quadratic polynomial x square plus x plus 1 x square minus x minus 1 by 2. तो यहां पर different expression मैंने use करें single term 2 term 3 terms again 3 terms सब में single variable use हो रहा है x x की power exponent 2 अगेन 2, 2 और 1 हाईएस्ट पावर 2, 2 और 1 हाईएस्ट पावर 2, सो ऑल आर कम अंडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जनरल एक्सप्रेशन इसका एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी अगेन वेरिएबल एक्स इज यूजिंग वेरिएबल हम एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं एक्स की पावर 2 और 1 तो हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2 एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2. सो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक से मूव करते हुए हाई डिग्री की ओर मूव करते हैं. तो नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल.
cubic word, this one degree 3. Degree 3. So expression जो degree 3 के cubic polynomial के x cube plus x square plus 1, x cube minus x square minus x minus 1. तो यार मैंने different expression use किए, but हर चीज में एक चीज common है. In every expression one thing is common. Single variable x degree 3, 3 and 2 highest power degree 3, 3 2 3 again. So this all are come under the cubic polynomial. And its general expression, ax cube plus bx square plus cx plus d. ax cube plus bx square plus cx plus d. Single variable x, 3, 2, 1. So highest power is 3, degree 3. A, B, C, D are the real numbers. Any real numbers. So kisi bhi value ko le sakte. So yahan different types of polynomial lega. Degree 4, degree 5. Ke bhi different type polynomials hum aage dekhenge. तो यहां पर देखा लीनियर पॉलीनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल डिग्री 3. अब एक और पॉलीनोमियल डिस्कस करते हैं. आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाए. द वन अनदर पॉलीनोमियल जो हम बार बार यूज करेंगे अपने, कांस्टेंट पॉलीनोमियल. अब ये क्या है कांस्टेंट पॉलीनोमियल? जैसे कि फॉर एग्जांपल 2. अब हम 2 को वेरिएबल के साथ लिखते हैं x टू द पावर जीरो, 1/2 y टू द पावर जीरो. अब ये दो इंडिविजुअल टर्म है 2 इंटू x टू द पावर जीरो. और हम सबको पहले ही पता, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब एक्सपोनेंट या पावर जीरो होती है, एक्स टू द पावर जीरो 1 और वाई टू द पावर जीरो 1, सो दे कैन बी रिटन लाइक दिस. और सिंपली हम 2 1/2 और माइनस 1/2 हम कुछ भी लिख सकते हैं. सो 2 1/2 माइनस 1/2 they are all constant polynomial. They are all is a constant polynomial. So हमने constant polynomial देखा. और simply अब ये भी देखेंगे, कुछ expression दे रखे हैं जिसमें हम ये दिखाएंगे कि polynomial हम और एक है कि variable की जो power है वो अगर whole number के अलावा अदर देन होल नंबर तो वह एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1/x रूट 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 1/y. अब मैंने फर्दर कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने नोट डाउन किए हैं. हर हम ये चेक करते हैं वेदर ये पॉलीनोमियल्स पे फिट बैठते हैं या नहीं, वेदर दे आर कमिंग टू द पॉलीनोमियल और नॉट. एक्स वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है तीनों में. एक्स की पावर 1, 1/x को माइनस 1. माइनस 1 इज नॉट ए होल नंबर. सो एक्स प्लस 1/x इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल. ये पॉलीनोमियल नहीं है x की पावर माइनस 1. माइनस 1 इज नॉट ए होल नंबर. सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन अंडर रूट 2y
root is on both the term 2 and y plus y, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं root 2 into y to the power 1 by 2 plus y. दो टर्म्स है, सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, y की पावर 1 by 2 1, अगेन 1 by 2 is not a whole number, so it is not a polynomial. लास्ट y square minus 1 by y, y square minus y to the power minus 1, 1 by y come y to the power minus 1, minus 1 is not a whole number, so it is not a polynomial. Not a polynomial in the single variable. तो यहां पे हमने देखा कि polynomials क्या होता है, उसकी definition, different expressions, polynomials के types, degree, और कुछ expression जिसमें single variable use हो रहा है, but they are not treated as a polynomial, क्योंकि उनकी जो power expression है, वो whole number नहीं है, so this is an algebraic expression, but ये polynomial नहीं है, minus 1, 1 by 2, again minus 1. So they are not termed as a polynomial. Now we will see one thing in polynomial further. Linear polynomial, again coming back to the linear polynomial. जिसका जनरल एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, एक्स इज अ वेरिएबल, पावर वन, डिग्री वन, ए बी आर द रियल नंबर्स. तो लीनियर पॉलीनोमियल्स में हमने जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है. क्या जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल? सो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने से पहले हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय टर्म जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है इस एक्सप्रेशन के लिए? एक्स की वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन में मैं पुट करता हूं, तो इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू बिकम इक्वल टू जीरो. द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. सो इसको कैसे निकालेंगे? ए एक्स प्लस बी को मैं जीरो के साथ, तो इस लीनियर पॉलीनोमियल सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर डिग्री वन है, मैंने जीरो के साथ इक्वलाइज करा ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए. सो मैंने यहां देखा लीनियर पॉलीनोमियल जिसका जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी है, उसका जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए. मैं इसको कैन बी ट्रीटेड एज, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बी क्या है यहां पे कांस्टेंट टर्म, और ए कोफिशियंट ऑफ एक्स. सो एक्स माइनस बी बाय ए कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स इज जीरो द पॉलीनोमियल. हम इसको वेरीफाई करते हैं, मैं इसमें पुट अप करता हूं, एक्स को रिप्लेस करता हूं माइनस बी बाय ए से, तो माइनस बी बाय ए प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. तो यहां हमने ए एक्स प्लस जीरो द पॉलीनोमियल जाना, ए एक्स प्लस बी एक्सप्रेशन में हमने जीरो द पॉलीनोमियल निकाला, उसको मैंने इस टर्म में एक्सप्रेस करा और उसको साइमल्टेनियसली वेरीफाई करा कि ये जीरो द पॉलीनोमियल है. तो स्टूडेंट्स आज हम इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं. तो कुछ एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं जो आप बताओगे कि वेदर ये पॉलीनोमियल्स है नहीं है. पॉलीनोमियल इन द सिंगल वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय टू, एक्स स्क्वायर प्लस
root x minus x polynomial है तो क्यों है, इसकी डिग्री नंबर ऑफ टर्म्स अगेन दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। हमने यह पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल निकालना है, वन बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री पॉलिनोमियल है तो एक्सप्रेस का रीजन देना कि क्यों है उनकी डिग्री। सो ये हम क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। सो अगर आपको ये क्लास हमने जो आज डिस्कस किया पॉलिनोमियल का, तो अगर ये चैप्टर आपको समझ आया सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।